मैं उम्मीद करदा वड्डे वड्डे बयान देके एक अपना चंगा ट्रैक रिकॉर्ड बनाउण वाले ज्ञानी हरप्रीत सिंह होरां दी हुण भूमिका ते असल विच हुण पता लगना क्योंकि ये रिपोर्ट अकाल तख्त ने भेजी सी। उन्होंने कह के भेजा सी फौजदारी मुकदमे कराओ ते जे हुण उन्हां नूं उन्हां दे विच ये ताकत है समर्थ है जिते जिते उन्होंने बयान दिते तां असीं उम्मीद करांगे कि हुण ओह हुक्म देण श्रोमणी कमेटी के प्रधान नूं कि इन्हां दे उत्ते कार्रवाई की जाए और ये बड़ी वड्डी एक पॉलिटिक्स भी हो रही है ते कुछ लोग जिन्होंने नवंबर की चोण आ रही है जिन्हां नूं उम्मीद है कि असीं अगे वधना है उन्हां वल्लों भी ये एक इहो जी प्लांटड गेम चलाई जा रही है कि सारे इस पाप का घड़ा मौजूदा प्रधान के सिर पर भन के ताकि फिर वो बंदे जड़ा एक परिवार की शाबाश लैके कि देखो जी असी सारा कुछ जड़ा मूहरे ला के ठीक कर दिता कि अगला सेहरा जड़ा है उन्होंने गल च पै जाए कि जे थोड़े बच्चे इन्नी समर्था आ गई तो फिर जिधर बरगाड़ी के सिखा तो जनरल डायर की तरह गोलियां चलाईया सी थोड़ी अकाली सरकार ने थोड़े अकाली मुख्यमंत्री ने उधर थोड़ी समर्था कितने गई उधर श्रोमणी कमेटी क्यों चुप करके बैठ गई सी उधर श्रोमणी कमेटी क्यों नहीं बोली उदों तुसीं 95 लाख दे इश्तिहार दे के राम रहीम दे हक दे विच खड़े ते जस्टिफाई कीता ते जिहड़ा मुड़ के उही फैसला जिहड़ा जथेदारां ने वापस लै लिया। तो इन्हां डरदियां ने अपने पापां ते पर्दा पाउण लई अपने पर्दा लुकाउण लई इह कारवाई तो इन्हां ने साफ मुकर गए। पहली मीटिंग विच कहिंदे असीं कारवाई करांगे दूजी मीटिंग दे विच कहिंदे असीं खुद ही समर्थ है ते सानू हुणे दसण कि समर्था कित्थों आ गई। और सब तो वड्डा फ्रॉड गली नवेड़ दित्ती कि 328 सरूप किते नहीं गए सरूप इत्थे ने लेज़रां दे विच हेर फेर हो गई। यही गल जहेदार भाई रणजीत सिंह जी ने 2 महीने पहला कहती सी जदों जांच शुरू हुई। मैनू ये लगता कि जिन्ना ये झूठ बोलणगे उन्ना ही यह गुरु साहब की नाराजगी का शिकार होणगे उन्ना ही सिखां की नाराजगी का शिकार हो कि जे लेजर बुकां की हेर फेर सी फिर तुसीं पहले दिन कहते। ये 2 मसले ने एक तो है गुरु ग्रंथ साहब के सरूप जिहड़े अलोप हो गए एक मसला है जिहड़े शॉर्ट सर्कट होए। गुम होए 328 पावन सरूपां ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वल्लों लिया गया यू टर्न कई सवाल खड़े करदा है ते सिख प्रचारकां ते सिख जथेबंदियां वल्लों इस मामले ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं घेरिया जा रहा है ते हुण श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे मैंबर गुरप्रीत सिंह रंधावा ने इस मामले ते बोलदिआं कहा है कि कमेटी वल्लों दोषियों नूं बचाउण दी कोशिश कीती जा रही है ते SGPC हुण इन्हां ते कानूनी कारवाई करन तों मुकरदी दिखाई दे रही है। इस तों इलावा होर की कहना आओ तुसीं ओह वी सुनो। ਸੋ ਡਰੈ ਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ ਧਰਮੀ ਬਖਸੇਤ ਬੋਲ ਸੋ ਧਰਮੀੜਿਆ ਮੋਨ ਕਤ ਧਾਰੀ ਰਾਮ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੇਕ ਬੋਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੇਰਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪੂਰੀ ਲਕਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ 11ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਵਿੰਗ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਸਨ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਇਸ ਲਈ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਕਿ ਉਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਧਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਜੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਭੇਸ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਗੱਲ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਲੱਗਾ ਕਿ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ।
श्रोमणी कमेटी क्योंकि कार्रवाई के उत्ते तो पहली शंका सी, पर सब तो वड्डी गल जिहड़ी मैनू पिछले समय का खदशा सी वह यह आ कि जिहड़ा रामसर साहब वाली जगह पर शार्ट सर्कट होया, अग लगी जिहदे विच अनेक गुरु साहब जी के सरूप अग्नपेट होए, सिले होए, तो जिन्हों का संस्कार गोविंदवाल साहब किया गया, जिहड़ी इहदे विच चोरी होई, सरूपां की गिणती लकाई गई, सरूपां के संस्कार करन वाले अस्थान के उत्ते रजिस्टर च दर्ज नहीं किए गए, इहदे पिछे असल विच कारण की सी, इह क्यों लुकोया गया, किते इह अग लाई तां नहीं सी गई, इहो जे सवाल हुण होर पैदा हो रहे ने। श्रोमणी कमेटी मेरा ख्याल कि इस सदी का जे सब तो वड्डा धोखा होया तां सिख पंथ दे नाल इह दूसरा धोखा, पहला धोखा होया सी जदों ज्ञानी गुरबचन सिंह की अगवाई दे विच बनाए हुए जथेदारां ने पंथ नूं सरसे वाले दे अगे बेचिया बिना मंगे तो जिहड़ी अगवाही दित्ती, उस किस्म का धोखा अज श्रोमणी कमेटी के इस मौजूदा नलायक प्रबंध ने की। मैं समझदा कि जे इन्हां दीआं थोड़ियां बहुतियां भी जमीरां जागदियां हुंदियां जिस दिन इन्हां ने प्रैस कॉन्फ्रेंस की सी तां कम से कम उस दिन इन्हां नूं अस्तीफे रख देने चाहिए सी। गल्लां करदे ने इह लोकां दीआं, गल्लां करदे ने दूजिआं दीआं, सब तो पहलां अस्तीफे दिंदे, अस्तीफे दे के जांच हुंदी, इह हुंदी आ नैतिकता। तो हुण सानूं नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे ने, नैतिकता की परिभाषा दस रहे ने झूठ बोल के। अज पूरे सिख पंथ नूं इह समझ आ गई कि श्रोमणी कमेटी दे इन्हां जिहड़ी अंतरंग कमेटी इह चुणे हुए अहुदेदार इन्हां दी नैतिकता, इन्हां नूं पाठ ते केवल ते केवल यही पढ़ाया जांदा कि तुसीं झूठ बोलो, रज रज के बोलो, जिन्ना तुसीं झूठ बोलोगे उन्नी तुहाडी नैतिकता वड्डी है। खालसा जी ना तो इन्होंने सरूपां की कोई सानू जानकारी दिती कि गुरु ग्रंथ साहब के किन्ने सरूप जिहड़े सी वह अग्नपेट होए, चुप कर गए उस ते। जिहड़ी कार्रवाई की मैं तुहानू पिछली बार कहा सी कि यह ड्रामेबाजी है, ये कोर्टां दे विच उन्हां नू वकील देणगे, कोर्टां दे विच कमजोर वकील अपने वल्लों देणगे, तो उन्होंने बा इज्जत यह बरी करा के मुड़के उन्होंने तरक्कियां भी देंगे, इनसेंटिव भी देंगे, उच्चे उच्चे अहुदे देंगे। ये पिछला रिकॉर्ड बोलदा। दूजी गल कि हासोहीणी है कि श्रोमणी कमेटी के प्रधान वालों ये कहा जाना कि श्रोमणी कमेटी खुद ही इन्नी समर्थ है कि जिहड़ी अपने सज़ा देगी, तो कि यहोजी एजेंसी है श्रोमणी कमेटी को जी CBI पंजाब पुलिस ED वो मुकाबले ते एक इस तरीके की सज़ा देगी। देखो कानूनन तौर पर बहुत बड़ा अफेंस होया, जदों कानून कहता कि गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह लिविंग गुरु ने, तो उस गुरु नू जड़ा है गैप कर दिता, लुको दिता, वेच दिता, किसी नू दे दिता, ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਤੇ, ਕਿਤੇ ਦੇ ਤੇ, ਪਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਲਿਵਿੰਗ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੈਪ ਕਰਨ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਫਰੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ ਲੱਗਦੀ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਦੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਡਰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਰਦਾ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰੋਡ ਗੱਲੀ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 328 ਸਰੂਪ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਰੂਪ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਲੇਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਹਿਣੀ ਆ
कि लेजरां दी हेर फेर है गुरु ग्रंथ साहब के सरूप इत्थे मौजूद ने। यह झूठ ते झूठ बोल रहे ने। मैनू यह लगता कि जिन्ना ये झूठ बोलणगे उन्ना ही यह गुरु साहब की नाराजगी का शिकार होणगे, उन्ना ही सिखां दी नाराजगी का शिकार होणगे। सो हुण परख की घड़ी है। सो खालसा जी, मैं यही बेनती कर सकदा तुहानू कि अपने पद्धर ते आपां जतन जिहड़े जारी रखणे ने। असीं जापते विच रह के आवाज़ बुलंद करनी है, इन्हां तों हिसाब मंगणा है, सदा मंगदे रहना है। जे कानूनी कार्रवाई ते जिथे लोड़ पई ते असीं कानूनी कार्रवाई करन लई भी तैयार हाँ, ते उह भी करांगे, उह भी राह फड़ांगे, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह दा मसला। ते जे देखो किड्डी हसोहीणी गल आ कि जे लेजर बुकां दी हेर फेर सी फिर तुसीं पहले दिन कहिंदे। ये दो मसले ने, एक तो है गुरु ग्रंथ साहब के सरूप जिहड़े अलोप हो गए, एक मसला है जिहड़े शॉर्ट सर्कट होए। हुण इन्हां दी किहड़ी गल नूं मन्नीए? ये शॉर्ट सर्कट नूं भी मुकर रहे ने, उहदी भी गल नहीं कर रहे, तो दूसरे पासे ये उहतों भी भज गए कि सरूप कितें गए ने। मैं उम्मीद करदा वड्डे वड्डे बयान दे के एक अपना चंगा ट्रैक रिकॉर्ड बनाउण वाले ज्ञानी हरप्रीत सिंह होरां दी हुण भूमिका ते असल विच हुण पता लगना, क्योंकि ये रिपोर्ट अकाल तख्त ने भेजी सी, उन्होंने कह के भेजा सी फौजदारी मुकदमे कराओ। तो जे हुण उन्होंने उन्होंने ताकत है, समर्थ है, जिडे जिडे उन्होंने बयान दिंदे, तो असं उम्मीद करांगे कि हुण उह हुक्म देण श्रोमणी कमेटी के प्रधान नूं कि इन्हां इन्हां दे उत्ते कार्रवाई की जाए। और ये बड़ी वड्डी एक पॉलिटिक्स भी हो रही है, तो कुछ लोग जिन्होंने नवंबर की चोण आ रही है, जिन्हों उम्मीद है कि असी अगे बढ़ना है, उन्हां वल्लों भी ये एक इहो जी प्लांटड गेम चलाई जा रही है कि सारे इस पाप का घड़ा मौजूदा प्रधान के सिर पर भन के, ताकि फिर वह बंदे जड़ा एक परिवार की शाबाश लैके कि देखो जी असी सारा कुछ जड़ा मूहरे ला के ठीक कर दिता कि अगला सिरा जड़ा है उन्हां दे गल च पै जावे। ये भी सानू पता लग गया कि ये गेमां इत्थे चल रही ने। गुरु ग्रंथ साहब के नाँ ते ये सियासतां करन वाले, गुरु ग्रंथ साहब के नाँ ते लोकां नू मूर्ख बनाउण वाले। ते अज सारा सिख पंथ इन्हां तों एक गल पुछदा कि जे तुहाडे विच इन्नी समर्था आ गई ते फिर जिद्दण बरगाड़ी दे विच सिखां ते जनरल डायर की तरह गोलियां चलाईया सी, तुहाडी अकाली सरकार ने, तुहाडे अकाली मुख्यमंत्री ने, उदण तुहाडी समर्था कित्थे गई सी? उदण श्रोमणी कमेटी क्यों चुप करके बैठ गई सी? उदण श्रोमणी कमेटी क्यों नहीं बोली? उदों तुसीं 95 लख दे इश्तिहार दे के राम रहीम दे हक दे विच खड़े ते जस्टिफाई कीता, ते जिहड़ा मुड़ के उही फैसला जिहड़ा जथेदारां ने वापस लै लिया। सो ये सारा प्रसंग जिहड़ा साडे सामने आया। सो मैं इस गल दे विच फिर अखीर दे विच गल समाप्त करदा होया तुहानूं इही गल कहनी चाहुंदा कि यह मसला जिहड़ा इह श्रोमणी कमेटी नूं जां इस कमेटी दे उत्ते काबज जिहड़ा एक परिवार है जां उस परिवार दे जिहड़े लीडर अगे थापे होए ने उहनां नूं भुलेखा हो सकदा कि इस कौम नूं तुसीं मूर्ख बना लोगे। अज बच्चे बच्चे दे हिरदे दे विच गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की यह इबादत लिखी गई है कि जो कुछ भी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे नाल इह कीता गया, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह ने प्रगट किया बाणी नूं, पर इस बाणी की अखंडता लई गुरु अर्जन देव महाराज ने अपने शरीर की शहादत दित्ती सी, अपनी शहादत दित्ती सी। अज भी उन्हां दी शहादत नूं शहीदां दे सरताज दे रूप दे विच नमस्कार किया जाता है। सो हिसाब लेखे होने दे रोज नियामतां नूं इत्थे हक नहीं किसे दे रह जाने, लेखा पाई पाई दा होएगा। ब्यूरो रिपोर्ट चैनल पंजाबी। साडा हर एक प्रोग्राम वेखण ते साडे नाल जुड़न लई सबसक्राइब करो चैनल पंजाबी ते नोटिफिकेशन लई बैल आइकन वाले बटन ते क्लिक करो।